फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे और आपके इस प्यारे से चैनल 361 में। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आज है 28 जून 2023 और आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के सामने। उम्मीद है आप सब हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों का तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आप लोगों का पेन और पेपर रेडी है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला न्यूज है वो ये है कि, तो फर्स्ट न्यूज जो है स्पोर्ट्स से आ रहा है कि हमारे महिला क्रिकेट टीम की आन बान और शान झूलन गोस्वामी जी और उसके साथ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयान मॉर्गन और इंग्लैंड की ही हीथर नाइट, तीनों को MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में जगह मिला है तीनों को। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूज रहेगा कि RBI ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, पेनल्टी इम्पोज किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे और साथ ही साथ क्रेडिट ब्यूरोज पे भी, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी किया है। ठीक है, तो इसमें कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि जनरली महाराष्ट्र बेस्ड हैं, तो सब पे RBI ने पेनल्टी किया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है न्यू CSR का गाइडलाइंस, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का गाइडलाइंस, जिसका नाम होगा सागर सामाजिक सहयोग। फिर से नाम सुन लीजिएगा, सागर सामाजिक सहयोग। ठीक है, इस ये बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज से संबंधित है। ठीक है, अगला न्यूज जो रहेगा, अमेरिका के को इन्वेंटर ऑफ लिथियम आयन बैटरीज जॉन बेनिस्टर गुड इनफ अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। 2019 में उन्हें नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला था, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इसके बाद जो अगला न्यूज होगा, उत्तर प्रदेश ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम होगा ऑपरेशन कन्विक्शन, जो कि काउ स्लॉटर के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट न्यूज रहेगा वो ये है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ठीक है, इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि USA में है, उसको फर्स्ट पोजीशन मिला है। लगातार 12 साल से वो फर्स्ट पे ही आ रहा है। ठीक है, इसमें हमारा जो IIT बॉम्बे है वो जो है 149th रैंक सिक्योर किया है, जो कि इंडिया के हिसाब से, मतलब वर्ल्ड में इंडिया का जो फर्स्ट है वो 149th पे आ रहा है, जो कि IIT बॉम्बे है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है, प्रिया AS उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड 2023 मिला है फॉर चिल्ड्रेंस लिटरेचर। ठीक है, नाम फिर से याद रखिएगा, प्रिया AS, और नॉवल का जो नाम है वो है पेरू मा जाया थे कुंजी था लुकल, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द चिल्ड्रेन हु नेवर विथर्ड। ठीक है, अगला न्यूज जो है वो ये है कि बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, कुछ कल्चरल ट्रेजर्स को बैंक नोट्स के थ्रू दिखाया जाएगा, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, और इस एग्जीबिशन का टाइटल जो है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज ही होगा। ठीक है, ये जो है कहाँ पे हुआ, इसका इनॉग्रेशन जो है कहाँ पे हुआ, वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इसका टेकअवेज ले लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है अभी श्री राम बहादुर राय जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर श्रीमती मीनाक्षी लेखी हैं, और इंडिया में अभी करीब 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और ये जो क्वेश्चन बनता है SSC एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, तो 40। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो ये रहेगा, इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में चलेगी। ठीक है, तो ये हरियाणा के लिए एक माइलस्टोन है और उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हमारा है, नेक्स्ट न्यूज जो ये रहेगा कि 8th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे जो है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 लॉन्च होने वाला है, जिसको हाउस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन असेसमेंट करेंगे लॉन्च, जो 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा। ठीक है, और इस बार जो थीम इसका रहेगा वो है मेरा शहर मेरी पहचान। फिर से नाम सुन लीजिए, मेरा शहर मेरी पहचान। अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारत का एक बहुत ही नामी कंपनी है, हर घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट इंडिया में होता ही है, तो उसके उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि MD एंड CEO मिस्टर रोहित जावा को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है, न्यूज़ ये है कि ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी है पहली बार स्पेस से लॉन्च हुआ है, स्पेस से, यानी कि ये हमारे अर्थ के सरफेस से 120,000 फीट अबव से वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, और ये करीब करीब 18 कंट्रीज में ट्रेवल करके लास्ट में फिर इंडिया में आएगा। इंडिया जो है इस बार होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप। ठीक है, अगला जो न्यूज आ रहा है ये है कि श्री नारायण राणे जी ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि MSME डिपार्टमेंट से संबंधित है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसका इसका जो नाम होगा वो होगा उद्यमी भारत MSME डे। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो ये है कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अनुसंधान चिंतन शिविर लॉन्च किया है टू इनकरेज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो डिफेंस में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं उसके लिए खासकर ये बहुत ही अच्छा है, और इसमें करीब करीब 75 टेक्नोलॉजी प्रायोरिटी एरियाज को लिस्ट किया गया है जो कि इस पे वर्क किया जाएगा, ताकि हमारे डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, जहाँ तक बात किया जाए डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का जो फॉर्मेशन था ये 1958 में हुआ था, फिलहाल जो इसके चेयरमैन जो है श्री डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो ये कि टाटा टेक्नोलॉजीज, SBFC फाइनेंसेस एंड गंधार ऑयल रिफाइनरी को IPO के थ्रू सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, जिसमें कि जनरली लॉन्च ऑफर फॉर सेल IPO होगा। ठीक है, अगला जो न्यूज है हमारा ये है कि इंडियन ओरिजिन की सैटेलाइट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मिसेस आरती हुला को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ UNOOSA यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ठीक है, इनका करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जिस वजह से इनको अपॉइंटमेंट मिला है। बात किया जाए UNOOSA का, तो ये फाउंड हुआ था 1958 में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो है कि इंडियन एयरफोर्स ने रन विजय एक्सरसाइज किया है, कंडक्ट किया है, और इसमें जो है Su-30 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात किया जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, तो फिलहाल अभी वो जो है जनरल अनिल चौहान जी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल मनोज पांडे जी हैं, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो है एडमिरल राधा कृष्णन हरि कुमार जी हैं। दीक्षा दगर ने सेकेंड लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट टाइटल जीत लिया है। ठीक है, और ये जो है चेक रिपब्लिक में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसलिए इसका नाम है चेक लेडीज ओपन। अगला जो न्यूज है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने फाइनल नोड अपना दे दिया है कलाईगनार पेन मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, जो कि चेन्नई के मरीना बीच के पास में है, जहां पे कोस्टल रेगुलेशन जोन भी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो ये है कि, तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज था, मैंने उम्मीद है सब कुछ सब न्यूज को मैंने कवर कर दिया आप लोगों के सामने। उम्मीद है ये सारा न्यूज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कंटेंट पसंद आया होगा, और उम्मीद ये भी है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि सब लोग इस वीडियो का बेनिफिट्स ले सके और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं हम लोग एक साथ, तब
तब तक आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, डिप्रेशंस को छोड़िएगा नहीं, ऐसे ही लगे रहिए। और मैं कामना करता हूँ आप सब अच्छे से रहें, ठीक है। तो एक बार सबको थैंक्स बोलता हूँ वीडियो देखने के लिए, और आप लोग अच्छे से रहिए। फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी वक्त पे, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।